हेलो फ्रेंड्स, केडीएम क्लासेस आपका फिर से स्वागत करता है। और एंटोमोलॉजी के अगला पॉइंट जो है उसके बारे में बात करता है, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड को किस किस टाइप से फॉर्मुलेट कर सकते हैं अपन? देखो, इंसेक्टिसाइड में जो केमिकल है वो केमिकल बहुत ज्यादा नहीं है, उसके साथ साथ उसमें एडिटिव्स भी है, उसके साथ जो मिक्स है उस दोनों को कंपाउंड कंबाइन करके और फिर हम इंसेक्टिसाइड को बना रहे हैं। ये तीन तरीके से बना सकते हैं अपन, चाहे तो सॉलिड से बना सकते हैं, अपन चाहे तो लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, अपन चाहे तो गैसेस फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड का फॉर्मुलेशन है वो डस्ट फॉर्म में भी आपको मिलता है। आप बहुत सारे केमिकल ऐसे लाते हो इंसेक्टिसाइड के जो डस्ट फॉर्म में होते हैं, पर मैं उन डस्ट फॉर्म के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि उसमें जो टॉक्सिकेंट होता है, टॉक्सिकेंट मेरा कहने का पर्पज ये हुआ कि टॉक्सिकेंट का मतलब वो जो केमिकल है, जो मेन केमिकल है वो तो उस वो और उसके साथ डस्ट, ये डस्ट जो है ये दोनों मिला के और क्या बना देते हैं, डस्ट इंसेक्टिसाइड बना देते हैं। इसमें जो कण पार्टिकल की साइज होती है दो, वो 100 माइक्रोन से भी कम होती है, और 100 माइक्रोन से कम कितनी, 0.1 माइक्रोन तक, तो लगभग 0.1 माइक्रोन तक तो होती है टॉक्सिकेंट की क्वालिटी, टॉक्सिकेंट की जो साइज है वो, और 0.99 के लगभग, 0.99 माइक्रोन के लगभग होती है इसमें जो डस्ट मिलाते हो उसकी साइज। देखो ये क्या है, ये दोनों की साइज इतनी छोटी क्यों है, ये बात सही है कि डस्ट जो होती है वो डस्ट की जितनी ज्यादा साइज छोटी होगी वो उतना ही एफिशिएंटली वर्क करता है। क्या करता है, वर्क करता है। जितनी ज्यादा टॉक्सिक कैंट और डस्ट की साइज, पार्टिकल साइज जितनी छोटी होगी वो उतना ही एफिशिएंट काम करेगा, एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो साइज है इस डस्ट में, टॉक्सिक जो केमिकल है उसकी पार्टिकल की साइज कितनी रखते हैं, 0.1 से 25 तक, 25 का मतलब है 25 माइक्रोन तक, और ये 0.99 से लेके और 1 माइक्रोन तक रखते हैं। क्या रखते हैं, पार्टिकल की साइज, जितनी ज्यादा पार्टिकल स्मॉल साइज के होंगे, सॉरी 100 माइक्रोन तक, जितनी ज्यादा पार्टिकल की साइज स्मॉल होगी उतना ही ज्यादा अच्छा डस्ट वर्क करेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा काम में नहीं लेके और क्या करें, ग्रेन्यूल फॉर्म में, छोटे छोटे कण के फॉर्म में अगर इसको काम में ले अपन इंसेक्टिसाइड को काम में ले, तो उसमें दो तरह के आपको ग्रेन्यूल्स मिल सकते हैं, एक तो माइक्रो ग्रेन्यूल्स और एक मैक्रो ग्रेन्यूल्स। माइक्रो जो होते हैं वो 100 से 300 माइक्रोन तक होते हैं, और मैक्रो जो होते हैं वो मोर देन 300 माइक्रोन की साइज के होते हैं। हमारे इन दोनों पॉइंटों में से क्वेश्चन यहाँ पुटअप हो रहा है, डस्ट जो होती है उसके माइक्रो, उसमें पार्टिकल की साइज कितनी होती है, 100 माइक्रोन से कम। ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनमें 100 से 300, तो सबसे फाइन पार्टिकल है वो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, उससे ज्यादा बड़े होते हैं 100 से 300 के लगभग, वो होते हैं माइक्रो ग्रेन्यूल्स, और उसके बाद में मैक्रो ग्रेन्यूल्स। मैं इसको कैसे कवर कर सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ कि पार्टिकल साइज सबसे जो फाइन होती है, सबसे स्मॉल साइज होती है वो डस्ट की होती है, उससे ज्यादा ग्रेन्यूल्स की होती है। ग्रेन्यूल्स में किसकी, पहले माइक्रोन की और फिर मैक्रो की, किसकी, मैक्रो की। तो ये तो बात हुई ग्रेन्यूल्स की और डस्ट की, अब बात करें हम किसकी, लिक्विड की। तो देखो लिक्विड में क्या करेंगे, लिक्विड में हम क्या करेंगे, एक करियर लेंगे, ठीक है, और उस करियर के अंदर मिक्स करेंगे क्या, टॉक्सिक सब्सटेंस, और वो एक स्पेसिफिक फॉर्म बनाएगा। ये लगभग 9 प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स हैं इनके, और सबसे ज्यादा वर्क जो हम करते हैं, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है वो कौन सा फॉर्म किया, ये लिक्विड फॉर्म यूज किया जाता है। डस्ट और ग्रेन्यूल्स भी हम वर्क लेते हैं, काम में लेते हैं, वर्क में लेते हैं, पर सबसे ज्यादा वर्क लेते हैं वो काम में कौन सा आता है, आपका यूजफुल होता है वो लिक्विड फॉर्म यूजफुल होता है। तो लिक्विड फॉर्मुलेशन जो है, लिक्विड फॉर्मुलेशन, उस लिक्विड फॉर्मुलेशन में मैं 9 टाइप से ऐसे कैटेगराइज करूंगा। पहला क्या, वेटेबल पाउडर। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम यू कह रहे हैं कि जो आप केमिकल लेके आ रहे हो, जिसको आप यूज ले रहे हो इंसेक्टिसाइड के पर्पस से,
उन इंसेक्टिसाइड के पर्पज से उन केमिकल्स को कैसे आप यूज लोगे, उसे आप कैसे मॉडिफाई करोगे, उसमें कैसे उसे बढ़ाओगे, वेटेबल पाउडर वो कैसे बढ़ बढ़ के आपके पास आया है। ठीक है, तो ये आने वाले में डस्ट के फॉर्म में आपको इंसेक्टिसाइड मिल जाता है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आपको इंसेक्टिसाइड मिल जाता है, ये सॉलिड फॉर्म है। अब मैं बोल रहा हूं कि लिक्विड फॉर्मुलेशन जो होते हैं वो किस किस फॉर्म में आते हैं, वेटेबल पाउडर। आपको ऐसा केमिकल मिल सकता है पैकिंग में जो आपको एक 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 लीटर के या आधा लीटर के पाउच में मिलेगा, उसको आप प्रेस करके देखो उसमें पेस्ट निकलता है, वेटेबल पाउडर के फॉर्म में होता है। मैं इस टॉपिक से क्या आपको अवेयर कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि इसमें जो पार्टिकल्स की साइज जो होती है उसमें हम माइंड करेंगे कि उसकी पार्टिकल साइज से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो लिक्विड फॉर्म है तो लिक्विड में आप ये देखो अगर पेस्ट की तरह, मतलब आप ये बोलो जेल की तरह अगर कोई केमिकल आपको मिल रहा है इंसेक्टिसाइड, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि उसमें 25-50% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसका मतलब वो 50% तक उसमें केमिकल इफेक्टिवली काम कर सकता है, 25% से 50% तक। इसका मतलब बाकी 50% वो यूजफुल नहीं होगा, वो केवल और केवल इस इंग्रेडिएंट को बनाने के लिए काम आया, इस कंपोजिशन को बनाने के लिए काम आया। सेकेंड कंडीशन क्या है, वेटेबल पाउडर के बाद में अपन बात करेंगे वाटर सोल्यूबल पार्टिकल। वाटर सोल्यूबल क्या होगा, जो पानी में घुल जाएगा। ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल होगा WSP, वाटर सोल्यूबल पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल होंगे जो पानी में घुल जाएंगे, यानी कि उस केमिकल को लाओ और पानी में घोल के और उसे यूज कर सकते हो। फिर बात करें क्या एरोसोल की, ये है हमारे पास ज्यादा काम में आने वाला, एरोसोल, मिस्ट, फॉग, फॉर्म्स, ये सस्पेंशन, ये हमारे काम की चीजें हैं। क्यों काम की चीज है, आप समझो एरोसोल, देखो एक फार्मर आपने कभी देखा होगा या फिर आपने फील्ड के एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, उसमें आप देखो ऐसे कर सकते हो जो नोजल होता है ना स्प्रे करने का, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिन्हें आप मिस्ट की फॉर्म में यूज में लेते हो। किसकी फॉर्म में, मिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल हो जिनको फॉग की फॉर्म में काम में लेते हैं हम, फॉग। ठीक है, कुछ फॉर्म झाग के रूप में आपको ऐसे लगेगा झाग आ रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ सस्पेंशन के रूप में काम में लिए जाते हैं, कुछ एरोसोल के रूप में काम में लिए जाते हैं। बहुत ज्यादा ये एरिया हो तो आप उसमें एरोसोल के लिए काम में ले सकते हो, उसमें पार्टिकल साइज जो रखनी होती है वो होती है 0.1 से 50 माइक्रोन तक। कितनी, 0.1 से 50 माइक्रोन तक। तो 50 माइक्रोन तक आप क्या देख सकते हो, एरोसोल होगा वो। आप ऐसे देखोगे उसमें जो पार्टिकल साइज होगी वो बहुत माइन्यूट होगी, उसमें मिस्ट और फॉग दोनों प्रकार के पार्टिकल की साइज आ जाएगी। तो मिस्ट क्या होता है, मिस्ट के अंदर जो पार्टिकल साइज होती है वो 50 से 150 माइक्रोन तक होती है। सब साइज माइक्रोन में ही बोल रहा हूं, यानी कि एक मीटर का 1,000,000 का टुकड़ा 1 माइक्रोन होता है। तो आप देख लो ऐसे 50 माइक्रोन से 150 माइक्रोन की साइज होगी तो उसे मिस्ट बोलेंगे, और अगर 1 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक की साइज होगी तो उसे फॉग बोलेंगे। तो ये देखो आप, इसमें पार्टिकल की साइज किसमें स्मॉल है, फॉग, फॉग में सबसे कम है। पहले अपन ने देखा था डस्ट, डस्ट के बाद में देखा अपन ने, मैंने आपको पहले लिखा डस्ट, डस्ट सबसे फाइन, उससे ज्यादा ग्रेन्यूल्स, और उससे ज्यादा अब मैं बात कर रहा हूँ फॉग, उससे ज्यादा मिस्ट, मिस्ट की साइज आ जाएगी। मिस्ट के बाद में फिर आप बात करेंगे किसकी, सस्पेंशन की और फॉर्म की बात करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि मिस्ट की साइज जो है वो कितनी है, 50 से 150 माइक्रोन, जबकि फॉग की जो साइज है वो 1 से 50 माइक्रोन के लगभग होती है। फिर अगर इस साइज हमको 150 माइक्रोन से भी ऊपर दिखे तो वो बन जाएगा फॉर्म। क्या बन जाएगा, फॉर्म। फिर बात करें किसकी, सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन जो होता है वो क्या होता है, अगर कोई केमिकल अगर वो न तो वाटर में सोल्यूबल हो सकता है, न ही वो कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस केरोसिन डीजल पेट्रोल में सोल्यूबल हो सकता है, तो उसे हम काम में लेते हैं, उसे कहते हैं सस्पेंशन सोल्यूशन। और सस्पेंशन सोल्यूशन जो होता है उसे आप क्या करते हो, वो जब स्प्रे कर दिया जाता है किसमें, जो सोल्यूबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी में मिलाना पड़ेगा, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस पानी में क्या होते हैं, ऐसे अधर ही रहते हैं, हवा में ही रहते हैं वो। तो ये हम उसको लेते माइन्यूटली काम में लेते हैं, पर एक टाइप है किसका, लिक्विड फॉर्मुलेशन का।
फिर बात करें सॉल्यूशन कंसंट्रेट, बहुत बार आपको दिखेगा, और इमल्सिफेबल कंसंट्रेट, ये दोनों प्रकार जो है वो बहुत ज्यादा काम में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपसे पूछे जाए तो। सॉल्यूशन कंसंट्रेट क्या हो, ऐसा केमिकल जो केवल और केवल एक ही प्रकार से किसी चीज में घुले, या तो पानी में ही घुले और या फिर किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में घुले, उसे क्या लिखते हैं SC। ये सब चीज आपको, ये सब वर्ड आपको हर इंसेक्टिसाइड की पैकिंग में लिखे हुए होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है वे WP है, WSP है, एरोसोल है, मिस्ट है, फॉग है, या फिर SC है, SC सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, यानी आपको उसमें SC लिखा है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। SC का मतलब ये होता है कि ये एक चीज में घुलेगा, या तो पानी में घुलेगा या फिर किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में घुलेगा। फिर बात करें EC, आप देखो खूब सारे केमिकल पे लिखा हुआ है, खूब सारे, बहुत ज्यादा केमिकल पे लिखा होता है। ये क्या होता है EC क्या होता है, इसमें आप पानी और ऑयल इन दोनों को मिक्स करो, उस केमिकल को डाल के पानी डालो, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, इन दोनों में से एक कंडीशन लेते हैं और उसके बाद में इसे क्या करते थे हम स्प्रेयर में काम में लेते हैं और स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं। जो इमल्सिफायबल होता है वो क्या करता है, वो उसमें पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, उसे यूज कर लिया जाता है और वापस जिस जगह आपको ट्रीट करना है वो वहां जाके ट्रीट हो जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, मिक्स तो हो जाएगा पर रिएक्ट नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण इमल्सिफायबल कंसंट्रेट भी वर्क आते हैं। अब एक पॉइंट और रह जाता है, वो रह जाता है फ्यूमिगेंट का। फ्यूमिगेंट गैसियस फॉर्म में आता है, गैसियस फॉर्म में जो काम में आते हैं फ्यूमिगेंट, क्या आते हैं डियर, फ्यूमिगेंट होते हैं, क्या होते हैं वो फ्यूमिगेंट। ये फ्यूमिगेंट क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में फॉर्मुलेट किए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट में आपको एग्जाम्पल पहले याद कराया वो, तो फ्यूमिगेंट जो है, ये फ्यूमिगेंट कैसे वर्क करेंगे, ये गैसियस फॉर्म में है, फ्यूमिगेंट होंगे तो आप इसका जो साइज देखोगे वो देखोगे 0.001 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन तक। आप सोचो ये सबसे फाइन पार्टिकल होंगे, सबसे ज्यादा फाइन, तो ये सबसे ज्यादा फाइन का मतलब 10 से भी छोटे साइज के होंगे, कौन, फ्यूमिगेंट। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, इसको आप बिल्कुल बहुत शॉर्ट में समरी कर सकते हो, कैसे कि तीन तरह के होते हैं, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। सॉलिड में दो टाइप्स हैं, डस्ट या फिर ग्रेन्यूल्स, डस्ट की साइज अलग होती है, बहुत छोटी होती है, उसके बाद में क्या आती है, ग्रेन्यूल्स की साइज आ जाती है, और उसके बाद हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड फॉर्मुलेशन जो है वो आपको 9 प्रकार से है, WP, WSP, एरोसोल, मिस्ट फॉर्म, और इसके बाद में आप बात करो क्या, सस्पेंशन, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, इमल्सिफायबल, और लास्ट में गैसियस फॉर्म जो है उसमें आप बात करेंगे फ्यूमिगेंट की। आपको पार्टिकल साइज दिखनी चाहिए, ये बिल्कुल कंसंट्रेशन जो है इस पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग बहुत फाइन वर्क करता है फ्यूमिगेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा वो क्लास होगी, उस क्लास में अपन मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्प्रेयर क्या, स्प्रेयर कैसे वर्क करते हैं, कौन सा स्प्रेयर किस तरीके की साइज देता है, कौन कौन से नोजल होते हैं उनमें, और उसके साथ साथ फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, आपको इंसेक्टिसाइड को किस पर्पज, कैसे यूज में लेना है। जैसे आपको लिखा है 5%, और आप देख रहे हो कि 5% का मतलब इस इंसेक्टिसाइड को किस तरीके से काम में ले, कितना पानी ले, कितना केरोसिन ले, इसमें कितना इसको डाले, कितना मिक्स करें और कितना यूज करें, तो ऐसा कुछ अगला लेक्चर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।